इमरान खान साहब के बहुत सारे यू टर्नों में एक नया यू टर्न है। मेरे ख्याल में या तो इन्होंने आईन का मुतालिया नहीं किया, क्योंकि इनका जो बेन स्टांस था कि चूंकि वजीर आजम नवाज शरीफ नाइल हो चुके हैं और इसलिए चूंकि मैंडेट उनको मिला था तो अब चाहिए कि नया मैंडेट असेंबली ले। इनको पता नहीं है कि हमारे मुल्क में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, मैंडेट पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक सियासी जमात है जिसको मैंडेट मिला है। हाँ। और जब वो उनका वजीर आजम जो था वो नाइल हो गया, क्योंकि पार्टी इलेक्शन जीतती है और फिर अपने लीडर ऑफ हाउस चुनती है, अब दूसरा आ गया और ये पीपल पार्टी के दौर में भी एक वजीर आजम गया तो दूसरा आ गया, पार्टी का मैंडेट जो है वो सलामत था। ठीक है, और इवन काफ लीग, लेकिन देखिए बैरिस्टर साहब ये बात में तो उनकी बात सही है, सदाकत है कि गवर्नेंस नाम की कोई चीज हमें नजर नहीं आती। सारे के सारे मिनिस्टर कभी पंजाब हाउस में बैठे होते हैं, फिर वो कभी रायवन में बैठे होते हैं, तो कभी मॉडल टाउन में बैठे होते हैं, या फिर यही क्राइटेरिया तो फिर तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 4 साल पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था जब उनका वजीर आला इस्लामाबाद में आके नाश्ता था, वहां पे लोग सैलाब में मर रहे थे, वजीर आला यहाँ के ठुमके लगा रहा था। तो इस अगर क्राइटेरिया आपने लगाना है तो फिर तो आप वजीर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है कब की खफारे हो जाए। वहां पे डेंगू से लोग मर रहे हैं और इमरान खान साहब पहाड़ों में सैरो सयाद के मजे लूट रहे हैं। अगर यही क्राइटेरिया है तो फिर तो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट पहले रिजाइन करके।